गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 जून 2020 और आज हम लोग 17 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिस होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, या रेलवे हो, या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? When is International Day of Family Remittances celebrated? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 16 जून को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम लोग 16 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को उन प्रवासियों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को वापस घर में सुधारने में मदद करते हैं। और वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस का थीम है बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्या है? बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कंपनी ने एंटी कोविड मैट्स बनाया है? विच स्टेट कंपनी हैज रिसेंटली क्रिएटेड एंटी कोविड मैट्स? तो यह है केरल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी केरल राज्य की कंपनी के द्वारा एक एंटी कोविड मैट्स बनाया गया है। ये जो एंटी कोविड मैट्स है, इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा दी गई है, जिससे कोविड-19 वायरस से बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये एक नारियल का मैट है जिसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा है, और इस सैनिटाइजेशन की सुविधा के कारण ये मैट है जो जितना भी जूता चप्पल के जरिए जो कोरोना वायरस घर के अंदर प्रवेश करता है उसको रोकने में ये सक्षम है। और इस मैट को नेशनल क्वायर रिसर्च एंड मैनेजमेंट और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। अब इस मैट को बनाया है केरल राज्य की कंपनी ने, तो हम लोग केरल राज्य से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं केरल के बारे में। केरल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 14। और अभी प्रेजेंट टाइम में केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और अभी प्रेजेंट टाइम में केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 141। केरल में लोकसभा का सीट कितना है? 20। और केरल में राज्यसभा का सीट कितना है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कितना करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है? रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी करोड़ टू नेपाल पशुपतिनाथ टेम्पल। तो यह है 2.33 करोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी भारत ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को 2.33 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है, और ये अमाउंट जो भारत के द्वारा दिया जा रहा है, इस पैसे से मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, यह नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, और ये मंदिर है जो बागमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। अब भारत ने इसे अमाउंट को नेपाल को देने का घोषणा किया है, तो हम लोग नेपाल से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? रूपी। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों के कमजोर वर्ग को 10% केंद्रीय आरक्षण देने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू गिव 10% सेंट्रल रिजर्वेशन
टू द वीकर सेक्शन ऑफ पुअर पीपुल बिलोंगिंग टू नॉन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज। तो ये है सिक्किम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को 10% केंद्रीय आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय लिया गया है सिक्किम राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा। इससे इन गरीब लोगों के आजीविका में हेल्प मिलेगा। अब इस केंद्रीय आरक्षण को देने का निर्णय लिया गया है सिक्किम राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा। तो हम लोग सिक्किम राज्य से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 मई 1975 में। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 4। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 32। सिक्किम में लोकसभा का सीट कितना है? 1। और सिक्किम में राज्यसभा का सीट कितना है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली हीरा सिंह राणा पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक गायक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा जी का निधन हो गया है और इनके गीत है जो पहाड़ी क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? हीरा सिंह राणा, और ये एक गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को प्राकृतिक गैस के लिए शुरू किया गया है जिससे देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to the Philippines recently? तो ये है शंभु एस कुमारन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी शंभु एस कुमारन जी को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है जयदीप मजूमदार जी का। अब शंभु एस कुमारन जी को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग फिलीपींस से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस का कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपीन पेसो। फिलीपींस का लैंग्वेज कौन सा है? फिलिपिनो। और अभी प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्ते। क्या नाम है उनका? रोड्रिगो डुटेर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020? तो ये है अंगद सिंह राणा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी सेफ अंगद सिंह राणा जी ने इस पुरस्कार को जीता है और इस पुरस्कार का नाम क्या है? क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020। फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020, ये भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है? रिसेंटली हु टेस्टेड आरटीपीसीआर विथ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19 इज द यूज ऑफ द टेस्ट रिकमेंडेटेड? तो ये है ICMR, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। अभी कोविड-19 की जांच के लिए ICMR ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के साथ साथ RT-PCR टेस्ट के उपयोग की भी सिफारिश की है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच करने पे संक्रमण का पता नहीं चल पाता है तो उसको RT-PCR टेस्ट भी करवाना होगा जिससे कि अच्छे से उनका जांच हो पाए। अब इस टेस्ट का सिफारिश किया गया है ICMR के द्वारा, तो हम लोग ICMR से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ICMR के बारे में। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है?
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1911 में। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में आईसीएमआर के सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। क्या नाम है उनका? डॉक्टर बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ई ऑफिस एप्लीकेशन? तो ये है एम अजीत कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एम अजीत कुमार जी के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई ऑफिस। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने से जितने भी ऑफिस में मैनुअल प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ मैनुअल प्रक्रिया का अर्थ है फाइल और पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीनू रानडीव का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली दीनू रानडीव हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये एक पत्रकार भी थे। तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था? दीनू रानडीव। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी फॉर सैलरी अकाउंट कस्टमर्स? तो यह है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी आईसीआईसीआई ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए एक फैसिलिटी प्रदान की है जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ये एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा है जिसको आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए शुरू किया है। ग्राहक इस फैसिलिटी का एडवांटेज बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च जर्मी बैंड डिवाइस? तो ये है जी किशन रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा इस जर्मी बैंड डिवाइस को लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस से बचाव के लिए और इसका इस्तेमाल क्वारंटीन केंद्र, आइसोलेशन वार्ड और अस्पतालों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख में शहीद हुए जवान के परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता देने का घोषणा किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ 20 लाख रुपीज टू द फैमिली ऑफ ए सोल्जर किल्ड इन लद्दाख? तो यह है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी लद्दाख में जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सभी जवानों के परिवार को 20 लाख रुपए का सहायता देगी तमिलनाडु राज्य की सरकार। इस सहायता राशि से उनके परिवार को काफी हेल्प मिलेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के सीएम कौन है? इडापड्डी के पलानी स्वामी। और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में असेंबली सीट कितना है? 234। तमिलनाडु में लोकसभा का सीट कितना है? 39। तमिलनाडु में राज्यसभा का सीट कितना है? 18। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस देश की संसद ने सर्वसम्मति से राजनीतिक मानचित्र को फिर से बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अनएनिमसली पास्ड अ बिल टू रिक्रिएट द पॉलिटिकल मैप रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन था नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो यह है नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी नेपाल देश की संसद ने सर्वसम्मति से राजनीतिक मानचित्र को फिर से बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? Who has recently become the first Sikh woman to graduate from the US Military Academy? तो इसका ऑप्शन है हरिता कौर देओल, रुबीना कौर, मनीषा अधीरा और अनमोल नारंग।
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।